हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 12 का 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 21 है, ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, करते नहीं हैं कि हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो नहीं है। कई बार क्या होता है, यही क्वेश्चन हमारा दो नंबर या तीन नंबर में दे देते हैं, उस टाइम पर हमें ये ऑप्शन जो होते हैं चार, वो नहीं दिए होते। तो हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। रूट एक्स है, 1/√x, इसको करना है हमें डायरेक्ट इंटीग्रेट। ओके, तो क्या करेंगे, सिंपली इसका अलग इंटीग्रेट कर देंगे और इसका अलग। ओके, तो जो रूट एक्स है उसको इंटीग्रेट करेंगे अलग, प्लस 1/√x इसका कर देंगे अलग। ओके, सेपरेट सेपरेट कर दिया हमने। अब देखो रूट एक्स है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट, एक्स की पावर 1/2 प्लस, अब देखो ये ऊपर लेके जाएंगे तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर माइनस में 1/2, ये माइनस है मेरा। ओके, इसका अलग इंटीग्रेट, इसका भी अलग। अब जो हमारे इंटीग्रेट का फॉर्मूला होता है कि पावर में 1 ऐड कर देते तो यहाँ पर भी कर दें, और जो पावर होती है वही हमारा डिवाइड में भी आ जाता है। प्लस है तो बीच में प्लस लगाएंगे, सेम एक्स की पावर माइनस का 1/2 है तो हम प्लस का 1 कर देंगे यहाँ पर भी, और माइनस का 1/2 तो प्लस यहाँ पर भी, और ये प्लस में सी कॉन्स्टेंट टर्म। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, पावर को सिंपली सॉल्व कर देना। एक्स की पावर कितना हो जाएगा हमारा, 3/2। ओके, और नीचे भी 3/2 प्लस, यहाँ देखो माइनस का 1/2 प्लस का 1, यानी कि 1 में से हमें कितना घटाना है, माइनस का 1/2, तो 1 एक्स की पावर कितना बचेगा, सिंपली 1/2, और नीचे भी हमारा 1/2 प्लस सी कॉन्स्टेंट। अब सिंपली क्या करना है, लास्ट स्टेप, इस जो डिवाइड टर्म हो रहा है उसको हमें ऊपर लेके जाना, तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस, ये ऊपर जाएगा तो 2x^1/2 प्लस सी। ओके, तो ये आ गया हमारा सिंपली फाइनली आंसर। चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर है इसका हमारा, तो इसका आंसर सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन आंसर नंबर सी। ओके, जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट होगा।